तो मैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर रहा हूँ। सभी बैंक के सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एक ही जैसे होते हैं, आपको घबराना नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक इसी तरह से आपको किसी भी बैंक के सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने बैंक ब्रांच का एड्रेस देना है। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का यहाँ पे आपको ब्रांच एड्रेस लिखना है। ये फॉर्म मैं इंग्लिश में भी भर सकता हूँ और हिंदी में भी भर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये आपके ऊपर है कि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश वाले फील्ड को भरूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई के बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले फील्ड में यहाँ पर आपको बेटी का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1000 रुपया लिखना है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको 1000 रुपया जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल पाते हैं। यहाँ पे 1000 लिखने के बाद आपको इसी को यहाँ पे वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप ये 1000 रुपया कौन से माध्यम से पे करने वाले हैं। आप कैश देने वाले हैं या चेक देने वाले हैं या आप डिमांड ड्राफ्ट देने वाले हैं। तो हम कैश देने वाले हैं, तो यहाँ पे कैश पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको कैश लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखना है कि आप ये 1000 रुपया कब बैंक को जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्ची का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे पेरेंट्स का नाम लिखना है। पेरेंट्स में आप फादर का नेम भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे मदर का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बच्ची का वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है। ध्यान रहे कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चियों के लिए ही खोला जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने बच्ची का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर आपको इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट देने वाले हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिख देना है। उसके बाद आपको इस बर्थ सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर देना है, फिर इस बर्थ सर्टिफिकेट को किस डेट में इशू किया गया है उसे आपको यहाँ पे लिखना है, फिर इस बर्थ सर्टिफिकेट को कौन सी ऑथोरिटी से इशू किया गया है उस ऑथोरिटी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद पांचवें नंबर पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को खोलने के लिए बैंक कौन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में पेरेंट्स ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पे पेरेंट्स का नाम आएगा। उसके बाद छठे नंबर पर पूछा जा रहा है कि बच्ची के फादर या गार्जियन बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट को देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पैन देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पैन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देना है, फिर इस पैन कार्ड को कौन से डेट में इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है, फिर इस डॉक्यूमेंट को कौन से ऑथोरिटी ने इशू किया है उस ऑथोरिटी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सभी डिटेल को दे दी है। इसी तरह से आपको अपने फॉर्म में सभी डिटेल को सही सही भर देना है। फिर आप यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ पे आपको एक और पेज मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सातवें नंबर पे अपना एड्रेस देना है। आपको यहाँ पे वही एड्रेस देना है जो एड्रेस आपके सभी डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप एड्रेस देकर यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस में सेम एज लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में एड्रेस लिख दिया है और यहाँ पे मैंने परमानेंट एड्रेस में सेम एज लिख दिया है। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने फॉर्म में लिख देना है। अब यहाँ पे आठवें नंबर पर पूछा जा रहा है कि आप KYC के लिए और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आधार और बैंक पासबुक का कॉपी देना है। तो यहाँ पे आप आधार, बैंक पासबुक और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। अगर आप इस फॉर्म को हिंदी में भर रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी वाले बॉक्स में अपनी बेटी का नाम लिखेंगे। अगर आप इस फॉर्म को इंग्लिश में भर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश वाले बॉक्स में आपको बेटी का नाम इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर आपसे ये डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि मैं इत द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे बेटी के नाम से किसी अन्य डाकघर या बैंक में इस योजना के अंतर्गत कोई भी दूसरा खाता नहीं खोला गया है या परिचालन किया जा रहा है। यहाँ पर आपसे ये डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि आपने अपनी बेटी के नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में इस योजना के अंतर्गत आपने कोई भी दूसरा खाता नहीं खोल रखा है। तो यहाँ पे नाम देने के बाद आपको यहाँ पे फादर का सिग्नेचर होगा, फिर यहाँ पे एडिशनल स्पेसिमेन सिग्नेचर मांगा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी फादर का सिग्नेचर होगा। इस दो जगह पे फादर का सिग्नेचर होगा। नीचे वाले फील्ड को आपको छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यूज ऑफ बैंक, यानी कि ये बैंक के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है।
ये सारी डिटेल देने के बाद हो सकता है कि बैंक ने आपको एक और फॉर्म दिया होगा जिसमें आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जा रही होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस देंगे, फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर यहाँ पर आपको वो डेट लिखना है जिस डेट में आपने अपने बैंक में अकाउंट खोला है, फिर यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर देना है और आपको यहाँ पे इन दोनों चीज़ को छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे बैंक का सिग्नेचर रहेगा, बैंक के अधिकारी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे मोहर मारेंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको बेटी के पेरेंट्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक के फोटोकॉपी को इसके पीछे अटैच कर देना है। इसके साथ ही आपको बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट को भी इसके साथ अटैच कर देना है। हो सकता है कि बैंक आपसे दो फोटो मांग सकती है, एक पेरेंट्स का और एक बेटी का, तो उसे भी आपको साथ में बैंक ब्रांच ले जाना है।